मध्य प्रदेश विधानसभा के प्रोटेम स्पीकर रामेश्वर शर्मा ने कहा, अगर पत्थरबाज नहीं सुधरे तो उनकी संपत्ति का अधिग्रहण करने के लिए कानून बनाया जाएगा। उन्होंने कहा, जिस घर या धार्मिक स्थल से पथराव होगा उसका अधिग्रहण हो या उसे नष्ट नाबूद किया जाए। मध्य प्रदेश में हुई सांप्रदायिक घटना पर प्रोटेम स्पीकर रामेश्वर शर्मा का बड़ा बयान सामने आया है। रामेश्वर शर्मा ने कांग्रेस से कहा है कि वो पत्थरबाजों के साथ खड़ा होना बंद करे। शर्मा ने कहा, जिस घर या धार्मिक स्थल से पथराव होगा उस धार्मिक स्थल और घर को सरकार अधिग्रहण कर उसे नेस्तनाबूद करे, ऐसा कानून लाने पर विचार किया जा रहा है। हमने जिन घटनाक्रमियों को पैदा किया था अब वो उनकी रक्षा के लिए जा रहे हैं। हमारा कहना है कि पत्थर चलाना बंद करो, प्यार के फूल फेंको, कोई किसी को न पकड़ेगा न कोई किसी को ठोकेगा। अगर अब तो ये ध्यान रखिए, जुलूस हो, जलसे हो, धार्मिक त्योहार हो, बारात हो, बैंड बाजे बजाने का सबको अधिकार है, मंदिर हो, मस्जिद हो, खूब बजाने पड़ो, किसी को कोई परेशानी नहीं, खूब आरती करो, खूब कोई परेशानी नहीं, लेकिन जुलूस जलसों पर पत्थर फेंकोगे तो इलाज पूरा होगा। और इसलिए आदमी को आदमी की हैसियत से रखो, मानवता में जानवर बनने की कोशिश मत करो। इसलिए कांग्रेसियों से भी हमारी प्रार्थना है कि पत्थरबाजों को ना तो तुम कश्मीर में पाल पाए न मध्य प्रदेश में पाल पाओगे। आदमी भी पर अगर पत्थर फेंकेगा, आदमी के सर से खून निकलेगा तो खून की कीमत पत्थरबाजों से चुकाई जाएगी। और आगे ध्यान रखिए, आने वाले दिनों में और भी कानून पर हम लोग विचार कर सकते हैं, उस पर भी, कि जिस मोहल्ले से, जिस मकान से पत्थर आते हैं, जिस धार्मिक स्थल से पत्थर आते हैं, सरकार उस स्थल को अधिग्रहण भी करे और उसको नेस्त नाबूद भी करे। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के भीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। आप देख रहे हैं दखल न्यूज।